राहुल गांधी द्वारा दिए गए विवादित बयान ने सियासी बवाल मचा दिया है अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी डी शर्मा कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए अभद्र बयान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने क्राइम ब्रांच थाने पहुंचे हैं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू से लेकर आधा दर्जन बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी की है इस बीच बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखा है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में कहा गया है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सौ बार अपमान किया है और यहां तक कि उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है साथ ही राहुल गांधी ने देशद्रोह किया है उन्होंने अन्य देशों में भारतीय प्रधानमंत्री का अपमान तक किया है देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ एफ दर्ज की है और हम उनके खिलाफ सख्त और त्वरित कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं जनता पार्टी मध्यप्रदेश ने राहुल गांधी के खिलाफ एमपी नगर थाने में क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज कराई है राहुल गांधी लगातार भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता संवैधानिक व्यक्तित्व के ऊपर लगातार उनका अपमान करने का काम उन पर लगातार इस प्रकार के प्रहार उन्होंने किए आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को पत्र लिखा है और लिख करके याद दिलाया है कि किस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ राहुल गांधी ने सौ बार Next एक बार नहीं सौ बार अपमान किया है गालियां दी हैं उन्हें क्या क्या नहीं कहा है इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर भी हमने राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने देशद्रोह किया है भारत के प्रधानमंत्री को दुनिया के अन्य देशों में जाकर के बदनाम करने का काम किया है इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो राहुल गांधी के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी ने एफआईआर दर्ज कराई है और एफआईआर दर्ज करा के मांग की है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई देश के अंदर